Welcome to the lesson. नमस्कार. स्थिति में आंखों को बंद करके लंबी गहरी श्वास और लंबा गहरा प्रश्वास. अपने आप को तैयार करें क्लास के लिए ओम चैंटिंग के साथ. इनहेल ओम चैंटिंग को जितना लंबा हो सके उतना लंबा कर सकते हैं और संख्या में 3 से 5 बार ओम चैंटिंग कर सकते हैं. दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे, हथेलियों को गर्म करेंगे, आंखों पर लगाएंगे. आफ्टर ओम चैंटिंग रब यू बोथ पाम, पुट योर पाम ऑन योर आईज एंड फेस, गिव अ लिटिल मसाज, जॉइन योर पाम टुगेदर. नमस्ते एंड वी स्टार्ट द क्लास नाउ. We start with the warm up and opening the joints. Start with shoulder. हाथों से शुरू करेंगे. दोनों हाथों को लॉक कर कर शरीर के सामने रखें. श्वास भरते हुए हाथों को पास लाएंगे. श्वास छोड़ते हुए हाथों को दूर. बिल्कुल वही प्रक्रिया जो हमने कल के अभ्यास में की थी. अगर आपने कल अभ्यास किया है तो आज के अभ्यास को आप निरंतरता के साथ बिना किसी कठिनाई के कर पाएंगे. धैर्य और निरंतरता ही योग में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हुए श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे. एक बार फिर वंस अगेन इंटरलॉक योर फिंगर्स, स्ट्रेच योर बॉडी अप. विद एक्सहेल ड्रॉप योर हैंड्स डाउन. दिस एक्सरसाइज इज फॉर ओपनिंग शोल्डर, शोल्डर मसल एंड अपर बैक एंड चेस्ट. रिपीट 3 to 5 time up to the end. Heel up, balance your body on your toes. Focus. With exhale, swaas chhodte hue, aage ki taraf jhukenge. Pair seedhe, ghutne seedhe, sar ko jitna laga sakte hain lagaye. Swaas bharte hue, haath dono haath upar. एड़ी ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे. स्ट्रेचिंग बॉडी अप एंड बेंडिंग फॉरवर्ड. इनहेल, स्ट्रेच योर बॉडी अप एज मच पॉसिबल, बैलेंस ऑन योर टोज द होल बॉडी वेट. विद एक्सहेल बेंड फॉरवर्ड. हथेलियों को वापस ऊपर की तरफ श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे. पैरों को हाथों से लॉक करके सर को जितना नीचे लगा सकते हैं लगाएं. अंतिम प्रक्रिया, स्थिति को बनाकर रखें. श्वास प्रश्वास पे ध्यान दें. श्वास बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथों को लॉक करेंगे और धीरे धीरे ऊपर और नीचे सर को और हाथों को मूव करेंगे, नीचे और ऊपर, जिससे कि हमारे पैर के पिछले हिस्से थाइस और काफ मसल में एक अच्छा खिंचाव होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है. योगासन को करने से पहले हमारे मसल्स अच्छे से स्ट्रेच्ड हो और वार्म अप
से हमारे शरीर में फुर्ती और गर्मी बनी रहे। एक्सहेल के साथ दोनों पैर पीछे, सांस लेते हुए हाथ को मोड़कर मैट पर, सांस छोड़ते हुए शशांक आसन। फिर से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए अधोमुख मुद्रा। दाहिना पैर ऊपर, सांस भरते हुए दाहिना पैर सामने, दोनों हाथों के बीच, दृष्टि ऊपर। सांस छोड़ते हुए फिर से बायां पैर आगे। सूर्य नमस्कार की प्रक्रिया। सूर्य नमस्कार के जो क्रम होते हैं उनमें गति ज्यादा होती है, जिससे हमारे शरीर को अनुकूल परिस्थिति होती है योगाभ्यास करने के लिए, हमारा शरीर तैयार होता है। तो जब कभी भी आप योगाभ्यास करें उसके पहले 2 या 3 चक्र सूर्य नमस्कार के करना बहुत लाभकारी होता है। शरीर फिर कठिन आसनों के लिए तैयार होता है। आज हम लोग जो आसन करने वाले हैं वो कल की अपेक्षा थोड़े से कठिन होंगे, मगर आप घबराइए नहीं, फॉलो करते रहें निरंतर। और धैर्य और निरंतरता से हम रोज प्रतिदिन 1 घंटे के अभ्यास से 1 से 2 महीने में एक बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव, शरीर में बदलाव देख पाएंगे। वीडियो में किसी भी एक योग विद्यार्थी को आप चुन लें और बिल्कुल उन्हीं की तरह अनुसरण और फॉलो करते रहें। सभी योग विद्यार्थी लगभग 2 सालों से योगाभ्यास कर रहे हैं। वन मोर टाइम सन सॉल्यूटेशन सीक्वेंस। इनहेल, बेंड बैकवर्ड विद एक्सहेल, ब्रिंग योर हैंड्स डाउन, हेड डाउन, राइट फीट बैक, लुक अप, इनहेल, लेफ्ट फीट बैक, प्लैंक, लुक फॉरवर्ड। Keep your stomach stiff. Do not come to downward dog. It's a plank posture. As you can see, some students, they are confused between downward dog and plank. We should not follow that mistake. Ashtanga posture. With exhale, sit to baby posture. Look forward, bending back, come to cobra posture with inhale. With exhale, back to downward dog once again. Try to touch your heel to the floor on yoga mat. Again, right feet up as much possible. With inhale, look up and bring your right feet forward between your hands. With exhale, left feet. Head down as much possible. Join your palm together. Inhale, bend backward.
And now we are going to repeat with the another left side left leg. Inhale, left feet back. Try to push your hip down and bend your back backward. Open your shoulder and chest as well. With exhale, come to plank. Very good. प्लैंक की स्थिति को बनाकर रखें। भुजंग आसन और अधोमुख, इन दोनों के बीच का आसन है दंडासन। शरीर को पूरा दंड के समान स्थिर और सीधा रखेंगे इसमें। श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ शशांक आसन में। भुजंगासन, श्वास भरते हुए दृष्टि ऊपर। अधोमुख, बायां पैर ऊपर, फिर से श्वास भरते हुए सामने की तरफ दोनों हाथों के बीच। श्वास छोड़ते हुए दाहिना पैर सामने। दोनों हाथों को जोड़ते हुए एक बार फिर अर्ध चक्रासन, इसे हम चंद्रासन भी कहते हैं। समस्थिति की मुद्रा। सूर्य नमस्कार के दो क्रम समाप्त। अब चंद्रासन का जो एक अगला भाग है, थोड़ा कठिन भाग, जिसको हम अर्ध चक्रासन कहते हैं। तो अर्ध चक्रासन का अभ्यास, श्वास भरते हुए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को जितना पीछे की तरफ झुका सके। श्वास लेते हुए वापस समस्थिति में, श्वास छोड़ते हुए जितना पीछे जा सकते हैं जाएंगे। दोनों हथेलियों का सहारा देते हुए धीरे धीरे जाएंगे। तेजी से जाने में गिरने की संभावना बनी रहती है। विद एक्सेल जेंटली ड्रॉप योर बॉडी बैक एज मच पॉसिबल। टेक योर बोथ हैंड सपोर्ट ऑन योर बैक। डू नॉट बेंड क्विक। By that you may fall, so go slowly, gently. Now we will repeat this 3 to 4 times, and up to the final one we are going to hold for long. Gently bring your both hands down to thighs, then close to knee, then close down to calf muscle. After bending your back, start gently bend your knee. And inhale slowly, gently come back. Now after this back bending, we need to relax the spine. So we bend forward one more time. Keep breathing. Focus on your back, which got the pressure for bending back and bending forward. एक बार फिर दोनों हथेलियों को पहले कमर, फिर नीचे लाते हुए दोनों जांघों पे सपोर्ट देंगे। और जितना अधिक झुक सकते हैं झुकने के बाद, धीरे धीरे घुटनों को मोड़ना शुरू करेंगे और दोनों हथेलियों को जितना नीचे अपने पैर के पिछले हिस्से पर ले जा सकते हैं ले जाएंगे। शुरू करेंगे, श्वास भरते हुए
धीरे धीरे झुकेंगे और श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए धीरे 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 कमर से पूरा झुकने के पश्चात पैरों के घुटनों को मोड़ना प्रारंभ करें और नीचे जितना हो सके। बिल्कुल बहुत अच्छा, रुकेंगे वहां। कुछ विद्यार्थी गिरने का डर, गिरने की संभावना रहती है तो उससे थोड़ा घबराते हैं। इस स्थिति के बाद से अगर कोई भी एक हाथ, बायां या दायां, एक हाथ उठाकर और धीरे धीरे हाथों का सहारा नीचे की तरफ, और ये देखिए हम पूर्ण चक्रासन में आ चुके हैं। अभी अगर आप नए हैं इस अभ्यास में तो ये जो अभ्यास है इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसे आप 1 महीने या 2 महीने के बाद कोशिश करें, अभी नहीं। तो ये चक्रासन की प्रक्रिया थी। ये सभी विद्यार्थी 2 वर्ष से योग अभ्यास कर रहे हैं तो इन्हें कम कठिनाई महसूस होती है। अगर आपको किसी भी तरह की असहजता महसूस हो तो आप उस अभ्यास को छोड़कर अगले अभ्यास पर जा सकते हैं। अगर आपको लोअर बैक सर्वाइकल या लोअर बैक पेन की समस्या है तो उस योग अभ्यास को आप छोड़कर अगले अभ्यास की तरफ जा सकते हैं। योगाभ्यास करते वक्त किसी भी तरह की असहजता या किसी भी तरह की समस्या आपको श्वास में या शरीर में महसूस हो तो आप मैट पर बैठकर या लेटकर आराम कर सकते हैं। चक्रासन की ये दूसरी स्थिति है, इसमें हम लेट कर स्थिति को शुरू करते हैं चक्रासन को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस अ विल पोस्चर, फुल व्हील पोस्चर। सो यू कैन सी वी स्टार्ट फ्रॉम लाइंग डाउन ऑन द मैट एंड बैंड द लेग क्लोज टू हिप, बैंड योर आर्म क्लोज टू शोल्डर एंड विद इनहेल ब्रीद वी लिफ्ट आवर बॉडी अप। यू कैन सी द मेंबर्स दे हैव गुड प्रैक्टिस ऑन व्हील पोस्चर। यू कैन ट्राई एज वेल इफ यू कैन लिफ्ट। इफ यू फील, बिकॉज यू आर अ बिगिनर, इफ यू फील एनी डिफिकल्टीज यू कैन स्किप दिस सिक्वेंस ऑफ पोस्चर एंड यू कैन जम्प टू द नेक्स्ट वन। In this kind of postures, which are little advanced, you should not count because every student have their own capacity to hold it. So it is a freestyle practice. In the back side of the class, some students they are beginner, same like you. So they feel little difficulty to practice, but we should keep trying. The front row of the class are good in practice, so they can practice full wheel posture as well. So you can see consistently we are stepping from little bending to maximum bending. So you can see how much you can keep up. And then after that, if you feel that this step is difficult for you, you can just skip it. Beautiful. Now we are up to the bridge posture. Bridge posture. Gently inhale, lift the back up. Take your hand support both in your lower back.
And then gently, slowly keep your knees straight. After making knees straight, the next step is right. Now the bridge pose. Bring your both hands under your lower back. Next step in bridge pose with right feet, right leg up as much possible. Still the left leg straight. Now change your leg position. With the left leg, we bring inhale, left leg, left feet up. Still your hand support on your back, push up as much possible. Keep breathing. With exhale, drop your leg down and relax your back on the mat. After that, just to relax your spine, just interlock your both legs and head up in Pavana Muktasana. Relax. Gently, slowly now sit up. With exhale, we'll do Halasana. Inhale, bring your body up again, front, sit up. With exhale, come to Halasana. Swaans bharte hue baithenge aur swaans chhodte hue Halasana ki sthiti mein aayenge. Swaans bharte hue wapas. श्वास छोड़ते हुए फिर से हलासन में. अगर आप स्थिति को बना नहीं पा रहे हैं, जैसा कि कुछ विद्यार्थी आप देख सकते हैं, तो आप अपने हाथों का सहारा अपने बैक बैक की तरफ दे सकते हैं. अंतिम प्रक्रिया, श्वास छोड़ते हुए हलासन, हाथों को पीछे या फिर पैर की तरफ, दोनों दोनों स्थितियों में रख सकते हैं. अगर आपको संतुलन बनाने में कठिनाई महसूस है तो आप हाथों का सहारा अपने बैक पर ले सकते हैं. श्वास भरते हुए दाहिना पैर ऊपर की तरफ सीधा, एक पाद सर्वांगासन. स्थिति को बना के रखें, श्वास पर श्वास बनाए रखें. दाहिना पैर नीचे, श्वास भरते हुए बायां पैर ऊपर. स्थिति को बनाए, श्वास पर श्वास निरंतर. पूर्ण सर्वांगासन की स्थिति, दोनों पैरों को जोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी और पैरों को बिल्कुल सीधा, दोनों हाथों को और पास लाएंगे, हाथों का सहारा, शरीर सीधा, जितना सीधा आप रख सकें, संतुलन बनाकर धीरे धीरे. अगली प्रक्रिया, दोनों पैरों को खोलेंगे श्वास छोड़ते हुए और दोनों पैरों को जमीन पर टिकाएंगे. हलासन अगर किसी को सर्वाइकल प्रॉब्लम है या नेक पेन, वो इस हलासन के अभ्यास को अवॉइड कर सकते हैं, इस अभ्यास को वो स्किप कर सकते हैं,
उन्हें ये अभ्यास नहीं करना चाहिए अगर उन्हें किसी भी तरह की नेक इंजरी या नेक पेन हो तो। उठकर बैठेंगे, अब प्रक्रिया शुरू करेंगे हम स्ट्रेचिंग की। दोनों पैरों को खोल लेंगे जितना खोल सके, दोनों हथेलियां कंधे के समानांतर, सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, पैरों को नहीं पकड़ना है, शरीर को जितना बाएं और दाईं तरफ धकेल सकते हैं, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। इनहेल, ब्रिंग योर हैंड्स टू साइड, एक्सहेल, बेंड टू राइट। इनहेल सेंटर, एक्सहेल, बेंड टू लेफ्ट। कीप योर लेग एंड नी स्ट्रेट। Inhale back to center. Exhale, bend to right. Keep breathing. Inhale back center. With exhale, bend to right. Maximum, hold it, keep breathing, feel the stretching in your leg. Inhale, bring your both hands up. Now we are going to stretch a little more and bend forward gently, slowly. It is a little difficult, but we keep up. In the beginning, bend your arms. And keep your elbows to the floor, just elbow, nothing else. And then slowly, gently try to look up and keep your spine straight. And then with exhale, look down. Now again, inhale, look up, keep your spine straight if possible. Try. Exhale, relax your spine. Inhales, spine straight. Yes, the lower back especially. Yes, lower back straight more and look up. As you can see, the members, they are following this instruction. Now up to the last, slowly gently keep your both leg straight and both arms push forward as much possible. Keep looking up and spine straight. Keep looking up, spine straight. Hold on. Keep breathing. Right there. And relax with inhale. Now next, with exhale, we will go to right feet, but we not catch the feet exactly. We push our body to right side as much possible. Inhale, come back to center again. With exhale, push your body to close to left feet. Do not catch your feet. Swaas bharte hue dono hathelia upar. Swaas chhodte hue dahini taraf. Pair ke panjo ki taraf. Swaas bharte hue dono hath upar. घुटनों को नहीं मोड़ना है, घुटने हमेशा सीधे, पैर सीधा, सर को जितना नीचे झुका सकते हैं घुटने के पास, हाथों को सामने की तरफ ढकेलेंगे, पुश करेंगे। अंतिम प्रक्रिया में आप पैर को पकड़ेंगे, बैंड योर बोथ आर्म्स, हेड डाउन,
बैंड योर आर्म्स, हेड डाउन, कीप योर लेग स्ट्रेट। स्थिति को बनाकर रखें, शरीर में खिंचाव को महसूस करें, श्वास प्रश्वास निरंतर, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और दूसरी तरफ, लेफ्ट लेफ्ट लेग लेफ्ट फीट, बैंड योर आर्म्स, हेड डाउन, कीप ब्रीदिंग, फील द स्ट्रेचिंग, वेरी गुड। Inhale, bring your both hands up. Relax. Now, after opening the leg and split, we must do this posture, which is called cow face posture. In this, you can see in the video, students, they keep their right leg on their left one. Inhale, bring your hands to side, up, lock, and with exhale, again bend forward. You will feel a good stretching in your hip region and your leg. And at the same time, it will give you a good relax, because just before we did the splitting, which make a very strong stretching in our thighs muscle. So after that, we must do this. It will give you a little relax. Keep breathing. With inhale, open your both hands to side and relax. Now we will change the leg. पैरों को बदलेंगे, बायां पैर ऊपर, दाहिना पैर नीचे। गौमुखासन, हाथों को लॉक करेंगे और श्वास छोड़ते हुए जितना नीचे झुक सकते हैं, कोशिश करें कि आपकी कोहनियां जमीन से टच हो। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को साइड में, एक बार फिर श्वास छोड़ते हुए इस प्रक्रिया को 2-3 बार दोहराएंगे। श्वास भरते हुए एक बार फिर दोनों हाथ, श्वास छोड़ते हुए नीचे। स्थिति को बनाकर रखें, श्वास प्रश्वास निरंतर। महसूस करें अपने पैरों में होने वाले खिंचाव को। दोनों हाथ आराम की मुद्रा में, बायां पैर बाईं तरफ, बायां हाथ पैर के नीचे से जाता हुआ, दाहिने हाथ से बाएं पंजे को पकड़ेंगे। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैर को सीधा, दृष्टि ऊपर की तरफ, श्वास प्रश्वास निरंतर। कोशिश करें पैर के घुटने सीधे हों, बाएं पैर के घुटने। स्थिति को बनाकर रखें जितना क्षमता अनुसार। अब पैरों को बदल लें, बिल्कुल उसी तरह, दाहिना हाथ नीचे, बाएं हाथ से दाहिने पैर के पंजे को पकड़ कर खींचेंगे ऊपर की तरफ। एक बहुत ही अच्छा खिंचाव आपके पैरों और हाथों के नीचे, कमर के दोनों तरफ बहुत ही अच्छा खिंचाव।
रिलैक्स। पैरों को बदलेंगे। अब इस अभ्यास और पूर्व अभ्यास में थोड़ा सा अंतर है। इस बार हम अपने एक तरफ के हिप को ऊपर ले आएंगे और दोनों हाथों से कोशिश। ये अभ्यास थोड़ा सा कठिन अभ्यास है। अगर आप इस स्थिति को नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसके पहले की जो स्थिति है उसको दोहरा सकते हैं दो बार। जैसा कि आप देख सकते हैं, पैरों को पूरा खींचते हुए हथेलियों के सहारे पैर के पंजों को पकड़ेंगे। वापस आए, यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से। अगर आप ध्यान से देखें तो इस स्थिति में जो पैर ऊपर जा रहा है वो हिप भी हम उसके साथ में उठाएंगे, इससे हमें पैरों को ऊपर ले जाने में सहायता मिलेगी। बाएं पैर को 45 डिग्री 30 से 45 डिग्री के अंतर पर खोल के रखेंगे, जिससे कि हम शरीर का संतुलन बाएं पैर की मदद से बना सकें। जितना अधिक क्षमता अनुसार इस स्थिति को बनाकर रख सकते हैं बनाएं। और फिर वापस रिलैक्स। नाउ वी विल प्रैक्टिस बटरफ्लाई पोस्चर। फर्स्ट कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, जॉइंट योर बोथ फीट टुगेदर, कैच योर फीट विद योर हैंड्स, पुल इट क्लोजर क्लोज टू हिप एज मच पॉसिबल। विद इनहेल लुक अप स्पाइन स्ट्रेट, with exhale bend forward. Very good. Again inhale, look up. With exhale bend forward. श्वास भरते हुए दृष्टि ऊपर और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। दोनों हथेलियों को खोल कर रखें जमीन से लगाकर ऊपर, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए फिर से नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर एक बार फिर। अंतिम प्रक्रिया में दोनों हाथों को आगे की तरफ धकेलते हुए हाथ सीधे, स्थिति को बनाकर रखें तितली आसन। श्वास पर श्वास निरंतर। श्वास भरते हुए वापस बिल्कुल आराम की स्थिति में। पैर को थोड़ा सा आगे की तरफ लाएंगे, घुटनों में 45 डिग्री का अंतर। श्वास छोड़ते हुए फिर से वही स्थिति। सर को झुकाएंगे पैरों के पास जितना अधिक ले जा सके। स्थिति को बनाकर रखें, श्वास पर श्वास निरंतर। एक अच्छा खिंचाव पैरों के बीच महसूस करें। दोनों हथेलियों को सामने, दाहिना हाथ पीछे की तरफ कमर के पास, घुटनों को दाहिने घुटने को नीचे की तरफ सहारा देते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे। दूसरी तरफ से बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर। जिस तरफ हाथ का हम सहारा ले रहे हैं वही घुटना नीचे की तरफ जाएगा।
कुछ गलतियां यहां पे आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट के द्वारा। कुछ जटिल आसन जो होते हैं वो थोड़ा समझने में समय लगता है स्टूडेंट्स को, तो कृपया निराश ना हो और अभ्यास को बनाए रखें। हाँ, अब गलती सुधर चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब एक हाथ से स्थिति प्रक्रिया खत्म होने के बाद दोनों पैरों को खोलेंगे समानांतर और दोनों हथेलियों को, दोनों हाथों को पैरों के अंदर से ले जाते हुए टखनों को पकड़ेंगे। स्थिति को दोहराएंगे फिर से, श्वास भरते हुए दृष्टि ऊपर और श्वास छोड़ते हुए सर को नीचे की तरफ जितना ले जा सके। दोनों पैरों के बीच समान अंतर, दोनों पैरों के बीच में दूरी आपके योगा मैट के बराबर। दृष्टि ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दिस पोस्चर इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ओपनिंग योर हिप एंड योर थाई मसल फॉर स्ट्रेचिंग। Take a deep breath, inhale, spine straight, and with exhale, push your body, upper body down close to the floor as much possible. Head down. Repeat this 3 to 4 times. Look, inhale, up. With exhale, look down. The final position, hold on as much possible. Keep breathing. Very good. Now bring your both hands out. Is this time we are going to lift the whole body up on the support of right hand. So right hand back and left hand up. You can see it's look like half wheel, one hand wheel posture, you can say that. Heel up. Exhale, come back. इसे हम अर्ध चक्रासन भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें हम एक हाथ का सहारा लेकर स्थिति को बनाते हैं। बाएं हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर, शरीर को ऊपर उठाते हुए लगभग चक्रासन की स्थिति में आएंगे। एड़ियां ऊपर की तरफ उठी हुई, हम कह सकते हैं ये चक्रासन की तरफ बढ़ने की एक प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फुल व्हील पोस्चर। नाउ देयर इज अ टेक्निक दैट हाउ यू कैन स्विंग और हाउ यू कैन टर्न योर पाम पोजीशन टू कम टू द फाइनल पोजीशन ऑफ चक्रासन। Very good. Now after bending back, we are going to practice some bending forward postures. पीछे की तरफ कमर से झुकने वाले आसनों को समाप्त होने के बाद अब हम सामने की तरफ झुकने वाले कुछ योगाभ्यास करेंगे। पश्चिमोत्तानासना, दोनों हथेलियों को ऊपर, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए पैर को पकड़ेंगे, हाथों की कोहनियों को मोड़कर सर नीचे दोनों पैरों के बीच। पश्चिमोत्तानासन, पीठ के पीछे का जो हिस्सा है उसको खिंचाव देंगे, जो हमारा लोअर बैक है वो खिंचाव की स्थिति में आना चाहिए, इसीलिए इस आसन का नाम पश्चिम उत्तान आसन कहा गया है। पश्चिम मतलब पीछे का हिस्सा, उत्तान खिंचाव।
स्थिति को बनाकर रखें। हाथों की स्थिति सामान्य। अब हम अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे दाहिने पैर के साथ। इस अभ्यास में ध्यान रखें आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो और पैर सीधा हो। रीढ़ की हड्डी और पैर को सीधी स्थिति में रखने के बाद से धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को मोड़ेंगे और पैर को अपने चेहरे और शरीर के जितने पास ला सके लाएंगे। स्थिति को बनाएं, एक बहुत ही अच्छा खिंचाव आप महसूस करेंगे आपके जांघ और पिंडलियों में पैरों के बीच। ध्यान रखें आपका जो बैक है, रीढ़ की हड्डी है, वो हमेशा सीधी रहेगी। स्पाइन को स्ट्रेट करके रखें और दाहिना हाथ पीछे, ट्विस्टिंग की स्थिति। Take a deep breath, catch your toes and open your right leg, right side. Keep your spine straight, open your shoulder, look up. Stay there. Bend your right knee, keep your feet on left thighs. Breathe inhale and with exhale, bend forward. Very good. Your right feet should be on your left thigh. Keep breathing, focus on the posture, hold as much as possible according to your capacity. Breathe, inhale. Now we are twisting and bending at the same time. So right leg should be on your left thigh. And then you are going to twist your spine back 180 degree. Look down to the floor. You can see how students are following it. You can follow the same. Next step. Open your right leg, bend to outside. Bend your knee, bend your right leg outside, not inside. Good. Now stretching once again. Inhale, bring your hands up. And with exhale, bending forward, head down. Touch your chin and chest on the floor if possible. Look forward. You can see some students can do, some feel difficulties, but keep trying. Don't give up. Keep breathing. Stay there as long as possible. And with inhale, breathe, come up. With exhale, change your side. Now move to left side. Again, twist your spine. And here we go. Head down. Very good. Twisting and stretching the leg at the same time. Keep breathing there, feel the muscle stretch, gently, slowly, hands to the side, relax. And now we can see how we completed our one right leg. Now we are doing the same flow sequence with the left leg. बाई तरफ से इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए, जैसा कि मैंने बताया, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, आपका जो पैर है वो सीधा होना चाहिए और पैरों को पकड़कर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को अपने चेहरे के पास लाएंगे। एक बहुत अच्छा खिंचाव महसूस करेंगे पैरों के बीच। नाउ अब हम ट्विस्टिंग करेंगे, श्वास छोड़ते हुए बायां हाथ पीछे की तरफ, दृष्टि पीछे की तरफ, रीढ़ की हड्डी सीधी और एक हल्का सा ट्विस्ट।
वापस आकर पैर के उंगली को पकड़कर टोस और उसे बाई तरफ खोलेंगे। दाहिना पैर नीचे और बायां पैर बाई तरफ खुला हुआ। दोनों कंधों को खोलकर जितना ज्यादा स्थिर रख सकते हैं। अगली स्थिति, बायां पैर घुटनों से मोड़कर दाहिनी जांघ पर, श्वास भरते हुए दोनों हाथों पर और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। स्थिति को बना के रखें क्षमता अनुसार जितना अधिक। दोनों हथेलियां ऊपर, श्वास भरते हुए शोल्डर्स को खोलकर बाई तरफ से शरीर को मोड़ेंगे, स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे, दृष्टि नीचे, घुटनों को नीचे की तरफ रखेंगे जितना अधिक से अधिक रख सकें। श्वास प्रश्वास निरंतर। स्थिति को बना के रखें, श्वास भरते हुए वापस आएंगे, हाथों को नीचे रखेंगे, बायां पैर सीधा और इस बार उसे घुटने को मोड़ेंगे हम बाहर की तरफ। दोनों पैरों को जितना ज्यादा खोल सकते हैं खोलेंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स इस स्थिति को अच्छे से कर पा रहे हैं। आप भी कोशिश कर सकते हैं जितना आप क्षमता अनुसार करें। स्थिति को बना के रखें। धैर्य और निरंतरता बहुत ही आवश्यक है अभ्यास में। श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, आप स्टूडेंट्स को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपने अभी योगाभ्यास शुरू किया है, तो आपको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। पर जैसा कि आप जानते हैं, रोज हम एक वीडियो एक सेशन के साथ आपके सामने होंगे। तो धीरे धीरे 2 महीने 1 महीने के अंतराल और अभ्यास के बाद आप भी इन सब चीज़ों को, इन अभ्यास को करने में सफल होंगे। अब अगली स्थिति, ये थोड़े कठिन आसनों में आता है। शीर्षासना, इन इंग्लिश वी कॉल इट हेड स्टैंड। दीज स्टूडेंट आर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम सो लॉन्ग, सो दे आर वेरी कंफर्टेबल टू डू सच पोस्चर्स। But if you are a beginner and you just started yoga with our channel, I would suggest be careful and avoid this posture. But just for the guidance, you can look, you can see, you can follow. Avoid the practice for now. After 1 or 2 months practice session, we will able to reach up to this level. As you can see, these students, they are practicing, as I said, they are practicing for more than 2 years. So they are very comfortable with all the advanced postures. They can hold for so long. So for the guidance, you can have a look how they keep their arms and their body straight and their legs straight. And in next session, whenever we will practice this, you can follow up. But if you are a beginner, for now, please skip this posture. Do not practice it for now. But very soon we are going to do this. So you can subscribe our channel. And in this new year, I have a promise to you that we will come every day with 1 yoga session that you can follow. And as I am trying to make the session easy to understand, I'm trying it to
dub in two languages, English and Hindi. So the viewers who can understand English, they can watch and follow, and who can understand Hindi but not English, they can also watch and follow. In dubbing voice, you can get the guidance from me that how the technique we should follow, and we should practice that. Because sometimes when we see, we do not get the technique that how it's happening. That is why I decided to dub it, so it will help you to understand by the voice that how we are moving. Now we can see there is one beginner student that she is trying to practice. So she need to understand the steps first, that what is the first step, and then second step, and then third step, and then after slowly, gently, she can follow up. So from here you can see okay, so I explain you the steps as I explain her. First, open your knees. Unfortunately, I'm sitting exactly in front of her, so I am very sorry that you could not able to see what is the position she is going through. But we will get many chances in future videos that you will see how we are doing this headstand sequence and posture. I will make a special video for you guys to understand the headstand position, how we can start as a beginner, how we can practice the headstand. Now we are moving up to the end of the session. You can see. She tried, but she can try again in the next session. All the practice, they are able to do it. It is all by long session of practice. It is not going to be possible in one or two class. So do not give up. Believe on yourself and your health and your body. Believe on me. If we will work together, we can make things possible and easier. This in the corner you can see the student she is practicing. This is the first step of headstand. In this position, we do not bring our leg up. We just try to keep our both leg on our arms. So this is the kind of free session. You can see my students, they are having fun after finishing all the class. We share our ideas to each other, and we try to practice whichever posture we want. Like you can see, there is another student, she's trying to practice the split. The another student behind, she's trying to practice scorpion posture. So every student have their favorite posture to achieve, and after finish the session, they try to practice it and try to achieve it. I am there to guide them. If anything that they do not understand about the posture, they ask me, they ask my support, they ask my help. So this is how we work in the session, in the class. Now this is time for end of the lesson. Everybody is sitting on the position, spine straight, open your shoulder. We will end the practice with one beautiful Om chanting. You can practice three Om chanting as well, five, seven, as you wish. First of all, relax your breathing. After the practice, your breathing go really fast and sharp. So we will take long and deep breathing, and take the breathing slow down.
Relax your mind. Relax your body. Beautiful. Focus on your breathing. Feel the changes after the session. What are the positive changes you are feeling? Make a beautiful sound of Om chanting. Om. As long as possible. Very good. Feel the silence for at least 5 seconds, and then after, gently rub your palm, make it warm. Keep your palm on your eyes, give a light massage to your face, and slowly, gently open your eyes. So this was end of the class for today. Today is second day. I'll see you tomorrow, third day of the practice session. I'll see you there on